तो हेलो गाइस, मैं शेयर करने वाली हूँ आज आपके साथ पर्पल हॉल, जिसमें मैं आपके साथ कुछ स्किन केयर शेयर करूँगी जो मैंने पर्पल से परचेज़ किए थे, वो मेरी स्किन पे कैसे रहे हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ रेकमेंडेशन दे रही हूँ, होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ इनसे जो टोनर्स मंगाए हैं उसमें एक ये अम्बा हल्दी टोनर, ये हल्दी के इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एल्प्स गुडनेस इनका खुद का प्रोडक्ट है। और जो दूसरा है मेरे पास वो कुकुम्बर टोनर है, वो बिल्कुल एंड हो चुका है। इट इज़ वेरी सूदिंग टोनर्स। टोनर्स हमारे को ज़रूर यूज़ करने चाहिए, उनसे हमारे स्किन के जो पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन पल्पी रहती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं। तो टोनर्स आप ज़रूर यूज़ करिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। मैं अपने हर मेकअप में आपको बोलती हूँ कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद टोनर ज़रूर यूज़ करिए। तो इनके आप टोनर्स ट्राई कर सकते हैं, ये हल्दी टोनर है और ये कुकुम्बर टोनर है, जो बेस्ट है। मेरी स्किन में बेस्ट थे, मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई की कैटेगरी में आती है। तो ये जो टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ, लास्ट को 6-8 मंथ से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। जो नेक्स्ट है वो है डर्माडॉक के प्रोडक्ट्स हैं। मैंने 3 प्रोडक्ट्स परचेज किए थे। एक इनका है अंडर आई सीरम, ये फोकस, ये अंडर आई सीरम है, आपको फोकस हो रहा हो तो इसको मैंने, ये मेरी हाफ बॉटल से नीचे हैं जो इस पर ये क्लेम करते हैं विद सोडियम हेलो हाइलुरोनेट, इसके अंदर है 10 ml है। मैंने इसको 4-5 मंथ यूज़ करा है, बहुत कम क्वांटिटी में लगता है ये। इसमें ऐसा आपको ड्रॉपर दिया हुआ है, मुझे इससे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा, नन था मेरे लिए। तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी स्किन पे तो ये काम नहीं करा। आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरी तरफ से तो बिग नो है इस प्रोडक्ट को। और इन्होंने अपने जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी किसी पे शो नहीं कर रखे हैं कि कितना कितना इंग्रेडिएंट्स दे रखा है। ये जो है एंटी एजिंग सीरम है, एंटी एजिंग सीरम है, तो उसमें आपको 10 ml की कुछ ऐसी बॉटल मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको ड्रॉपर मिल जाता है। तो इसने भी कुछ खास मेरी स्किन पे बहुत डिजास्टर से तो कुछ इफेक्ट आए नहीं है। इसको भी मैंने वही 5 to 4 month यूज़ करा है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी से मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बट कुछ खास रिजल्ट नहीं मुझे दिखे हैं इसके एंटी एजिंग सीरम के। और एक जो मैं आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगी वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मैंने इनकी नाइट क्रीम ट्राई करी थी, उसके भी मुझे कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 दिन यूज़ करी, 1-2 महीने, मैंने 4-5 month यूज़ करी है। उसके बाद मैं आपको अपने ये जो रिकमेंडेशंस है दे रही हूँ, इनके आप प्रोडक्ट्स के जो ये आउटर पैकिंग है इसी से हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितनी दिन से मेरे पास है और मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन पे इनका कोई खास इफेक्ट दिखा नहीं। फिर जो मैंने आपके पर्पल से ये मंगाया है एल्फ गुडनेस का कुकुम्बर मास्क, ये वाव है, बहुत सूदिंग है ये मास्क। इसको आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, तो मतलब कुकुम्बर मास्क इज़ लाइक अ वरदान। तो ये जो क्वांटिटी मैंने मंगाई थी वो 29 ग्राम है, और कुछ अच्छे रेट्स में आपको मिल, मैंने आपको बताया इनके पर्पल पर हमेशा ही कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं। ये शायद मैंने विदाउट ऑफर मंगाया था, बट अब ऑफर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड स्क्रब है, इसकी थिकनेस भी अच्छी है, ये मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, इसको भी मैंने यूज़ करा है, इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं।
मैं इसको सेकंड टाइम भी परचेज करना चाहूंगी। क्लीनिंग अच्छी हुई है इसकी फेस पे, और इसमें जो ग्रैनुअल्स हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है मेरी, उस पर बहुत अच्छा वर्क करा है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कोई स्क्रब स्क्रब ढूंढ रहे हो जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसके ग्रैनुअल्स भी बहुत माइल्ड हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये। तो है ये कोई एलिस गुडनेस की नहीं है, ये नॉर्मल सी है। ये VLCC की SPF 30 के साथ जेल क्रीम है। ये मेरी न्यू पैकिंग है, इसको मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि ये नॉन ग्रीसी है, अब्जॉर्बिंग है, टिंट मैट फॉर्मूला है। इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम एक बार यूज़ करा है तो इसमें मुझे कुछ जैसे BB क्रीम में आप अगर देख रहे हो तो जैसे बेस का इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे दिखा है। क्रीम में मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट या मॉर ये बेस दिखा है, तो ये आपको शायद हल्का सा BB क्रीम का भी काम कर सकती है। बट अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी। और ये जो है ये तो मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, ब्लॉसम कोचर की है कैरेट सनस्क्रीन लोशन। अगर कोई आप बहुत अच्छी सी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ब्लॉसम कोचर की, बहुत अच्छी है ये कैरेट की सनस्क्रीन। मेरी स्किन गर्मियों में, जो मेरा टी जोन है वो बहुत ऑयली हो जाता है, ये मैंने गर्मियों में बहुत यूज़ करी है, सर्दियों में भी यूज़ करी है। आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, यूज़ कर करके इसका हाल क्या हो गया है। तो अगर आप कोई अच्छी सनस्क्रीन देख रहे हैं बजट में, मैं इनके प्राइस सबके आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। और नेक्स्ट जो है मेरी लैक्मे की सनस्क्रीन है, हर कोई यूज़ करता है, SPF 24 है। इसके अंदर UV लोशन, ये लोशन है, सनस्क्रीन नहीं है, ये लोशन है, लाइट फील लोशन है। अगर कोई ऑयली स्किन के लिए अच्छी सी सनस्क्रीन लोशन ढूंढ रहा है तो ये ट्राई कर सकता है। बहुत लाइट वेटेड है और एक हल्का सा ग्लो भी आ जाता है इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। हाँ, सनस्क्रीन थोड़ी क्रीसी होती है, बट ये अच्छी है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है गुड वाइब्स का चेरी ब्लॉसम मेकअप क्लिंजिंग लोशन है, ये मेकअप रिमूवर लोशन है। तो इसके जो मेरे साथ जो मेरी आप बीती, मैं आपको बताऊं, ये मेकअप तो रिमूव करता है बट बहुत क्रीमी है इसका टेक्सचर, और मेरी स्किन ड्राई है। मैंने इसीलिए इसको ऑर्डर किया था क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वाटर बेस यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी ऐसे कुछ हो जाती है। बट इसको आप रब करके थोड़ा सा रखेंगे तो इतना नीटली क्रीम नहीं हुआ। हाँ, और ये थोड़ा सा मेरे को इरिटेट करा है, मैंने इसको हाफ से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसकी बॉटल हाफ से ज़्यादा कम है। तो ठीक है, बजट में है ये भी, बट मेरी आईज आईज में ये इरिटेशन देता है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए, और थोड़ा टाइम भी लेता है ये, एकदम रिमूव नहीं होता। इससे मेकअप अच्छे से आपको लगा के रब करना पड़ता है 2-4 मिनट, तो वो तो आप किसी क्लीनिंग वाइप से भी करोगे तो आपका मेकअप निकल जाता है। तो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूंगी, टिल देन ध्यान रखिए अपना, अपनों का भी और अपने